दोस्तों लहसुन यानी कि गार्लिक एक वंडर फूड है। आयुर्वेद में तो लहसुन को एक औषधि माना गया है। हालांकि आपको किसी न किसी रूप में लहसुन को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन सुबह सवेरे खाली पेट लहसुन खाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर आप रोज सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह दो लहसुन का गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो समझिए आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर तभी कमजोर होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम रोगों की चपेट में आने से बच सकते हैं। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारे शरीर में उत्पन्न हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। तो अगर आप भी लहसुन खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और बहुत सारे रोगों से आप बच सकेंगे। जब आप खाली पेट लहसुन खाते हैं तो लहसुन अपनी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण हार्मफुल बैक्टीरिया का सर्वनाश कर देता है और आपके पेट के खाली होने के कारण इन बैक्टीरियाज को छुपने की जगह ही नहीं मिलती और इसलिए लहसुन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। लहसुन जो होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटीज को बढ़ाता है और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ब्लड शुगर के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर कंपाउंड होते हैं जो बहुत ही इन्फेक्टिव हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सल्फर डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा रीजन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसे में अगर आप गार्लिक या लहसुन का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। एक रिसर्च के अनुसार गार्लिक LDL कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करता है। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी नसों को ब्लॉक कर सकता है और हमारे हार्ट को अनहेल्दी कर सकता है। तो अगर आप भी लहसुन खाएंगे तो ये LDL आपका तेजी से कम होगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और आपके खून में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को बढ़ाता है, इसलिए ये आपके हृदय के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये हैबिट अपनी लाइफ में जरूर लाइए। लहसुन में सेरेडियम प्रचुर मात्रा में होता है और सेरेडियम जो है उसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाते हैं तो कैंसर युक्त ट्यूमर की फॉर्मेशन के चांस 33% तक कम हो जाते हैं और स्टोमक कैंसर के चांसेस 52% तक कम हो जाते हैं। अगर आप अपने शरीर से कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आज से ही रोज गार्लिक को कंज्यूम करें। दोस्तों फैटी लीवर आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत ज्यादा फैट अगर आपके लीवर पर डिपॉजिट हो जाता है तो ये बहुत फैटल कंडीशन हो जाती है जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए यहाँ पर भी गार्लिक बहुत इन्फेक्टिव है। दोस्तों SAMC नाम का गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जो लीवर की इंजरी को कम करता है और गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपके लीवर को नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से बचाता भी है। लहसुन सांस से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए भी सहायक है। सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के इलाज में भी प्राकृतिक दवा की तरह ये काम करता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि लहसुन टेंशन को भगाने में भी मददगार है। कई बार हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड बनते हैं जिनसे हमको घबराहट होने लगती है। लहसुन खाने से सिर दर्द और हाइपरटेंशन में काफी आराम मिलता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो लहसुन की एक कली पीस कर दर्द वाली जगह पर लगा लें। कुछ ही देर में आपको दांत के दर्द से आराम मिल जाएगा। इतना ही नहीं, खाली पेट लहसुन का सेवन करने से नसों में झनझनाहट से भी आराम मिलता है। दोस्तों लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कच्चे या ज्यादा लहसुन का सेवन मिसकैरेज का खतरा बढ़ा देता है। अगर आप किसी भी तरह का ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवाने वाले हैं तो लहसुन को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि इससे सर्जरी के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो भूलकर भी लहसुन का सेवन न करें। ज्यादा मात्रा में लहसुन खाने से हीमोलाइट एनीमिया की कमी हो जाती है जो आपके लिए खतरनाक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि लहसुन से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।